हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। क्या शूट कर रहे थे? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और हम उठ गए हैं और मैं अभी एक्चुअली नया ब्लॉग शुरू करूं तो उससे पहले मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूं कि लास्ट वाला ब्लॉग जो मैंने डाला ताज वाला, उसमें सबके कमेंट्स हैं कि बुक्कड़ वाले कमेंट को सब बहुत वो मतलब रिलेट कर पा रहे हैं। और हम तो हमारे मुंह से जो जेन्युइनली मतलब जो था वो निकल गया। एक्चुअली में हम लोग कुछ नहीं खा के गए थे। हाँ, तो मतलब जा रहे थे पहली बार तो हमने सोचा थोड़ी एपेटाइट बिल्ड करके जाते। तो बट खाना बहुत अच्छा था, बहुत हाँ, सीरियसली खाना बहुत अच्छा बहुत था और बहुत हैवी था। वो आने के बाद अगले दिन हम लोग ऐसे थे, बहुत हैवी खाना था, बहुत यस तो अच्छा लगा कि एक छोटी सी चीज जो छोटी सी हम लोग मस्ती मजाक कर रहे थे वो आपको इतनी अच्छी लगी और आप भी हंस सके उससे। एनीवेज आज फ्राइडे, अभी मैं बस रेडी होके जाऊंगा नमाज के लिए। कल से रमजान भी शुरू है इंडिया में और आज से जहां रमजान मतलब आज जहां चांद रात है फ्राइडे को बाहर साइड ओवरसीज, तो उनकी उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और बस अभी नमाज के लिए रेडी होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। सो गाइस, आप सबको तो पता है कि आजकल हमारी लाइफ में कितना वर्कलोड है, प्रेशर है, स्ट्रेस रहता है और अपनी पुअर डाइट और पुअर लाइफस्टाइल की वजह से हमारा हेयर फॉल होता है। और सिर्फ एंटी हेयर फॉल शैम्पू कंडीशनर हेयर फॉल को रोकने के लिए काफी नहीं हो। हेयर फॉल रुकेगा जब प्रॉपर न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जाएगा और बालों की रूट्स में जाके काम करेगा। इसलिए आज मैं ले रहा हूँ कोरामेन हेयर कैप्सूल, क्योंकि ये अंदर से हेल्प करता है। इसमें शामिल आमला भृंगराज हेयर रीग्रोथ को प्रमोट करते हैं और साथ ही प्री मेच्योर ग्रेइंग से भी बचाते हैं। मोती पिस्ती बालों की रीग्रोथ को बूस्ट करता है और आपके स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करता है। तो मैं लूंगा दो कैप्सूल क्योंकि कोरामेन एडवाइस करता है कि बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको दो कैप्सूल सुबह और दो कैप्सूल शाम को लेना चाहिए। और सबसे खास बात यह है कि इसके साथ आता है एक हेयर टॉनिक विद 3% फॉलिक्यूसिन एंड बायोटिन, जो कि कोरामेन की वेबसाइट पर एब्सोल्युटली फ्री है एज अ ट्रायल ऑफर। है ना कमाल की बात, आप पे कीजिए कैप्सूल के लिए और टॉनिक एकदम फ्री फ्री फ्री। तो गाइस, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी तरह और भी कई लोग ऐसे होंगे जो अपने बालों से बहुत प्यार होगा, जो चाहते हैं कि उनके बाल अच्छे हो जाए। तो फिर देरी किस बात की, लिंक जो है वो मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको क्लिक करिए और अब मैं लगा हूं भाई। नंबर का खड़ूस। कौन? तू। मैं खड़ूस। यस। काय के लिए? मेरी मर्जी। हाँ जी, क्या लेके आई हो तुम वैसे? डोंट डू माय पचका, वेट। क्या लेके आई बताओ? डोंट डू माय पचका, आई सेड वेट। नहीं बताओ क्या लेके आई हो, पहले बताओ। पहले बताओ क्या है? कुछ दरवाजे के पास जूते रखे रहते हैं। हाँ। बहुत खराब लगता है। ओके। तो मुझे उसको डालने के लिए एक बॉक्स चाहिए था, वो स्टोरेज वाले जो बॉक्सेस आते हैं, मुझे बड़ा चाहिए था पर मुझे बड़ा दिखा नहीं, यही दिखा तो मैं यही ले आई। ओके। और ये छोटा है तो ये एक्चुअली क्राफ्ट के सामान के लिए बॉक्स है, ये शू के लिए नहीं है। ये देखो, ये कुछ तो खुराफात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है इनका जबरदस्त बड़ा पचका होने वाला है आज, क्योंकि लाई थी कुछ और सोच के, कुछ और कहीं तो अपनी अपनी एकदम ज्वेलरी का बॉक्स नहीं बनाने वाली ना। हाँ, वेरी गुड आइडिया, थैंक यू। हाँ, क्योंकि तुम्हारे शूज तो नहीं आने से रहे इसमें, एक बार में फट जाएंगे। इधर जो रखे हैं वो एक ही बार में फट जाएंगे। तो मुझे शूज के लिए कुछ चाहिए, वो बहुत मुझे परेशान करते हैं वहाँ पे। फिलहाल तुम ये ज्वेलरी बॉक्स, थैंक यू, गुड आईडिया। हर रमजान में कुछ ना कुछ काम होता ही पता है। लास्ट टाइम भी पूरे घर का रिनोवेशन चल रहा था, रमजान से पहले जस्ट खत्म हुआ था। इस बार मैडम जो है वो बालकनी कुछ तो करवा रही है, वो ग्रास वगैरह, बीच वाले रूम की जो बालकनी थी वहाँ पे वो सब प्लेन थी, वहाँ पे कुछ था नहीं, तो वहाँ पे आई थिंक वो दूसरी बालकनी की तरह ग्लास वगैरह उसमें फिट करवा रही है। मतलब तुमने क्या ठान लिया है क्या कि हर रमजान में कुछ ना कुछ करवाना है? हैं? बोलो। देखो, आपको झटका थोड़ा इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं, तो आज के लिए आप सिर्फ ये बालकनी का झटका हजम कर लो। और क्या है फिर? अभी अभी कुछ नहीं, धीरे धीरे करेंगे। यहाँ की बालकनी तो तुम वो, ये कहाँ यहाँ लगाओगी? यस, यहाँ आएगा ग्रास। हाँ? वहाँ आएगा ग्रास, ये ऊपर पूरा ग्रास आएगा। ओके। और यहाँ पे आएगा बैठने का क्या बोलते हैं, गादी। ओके। और यहाँ पे आएंगे दो कुशन्स। वहाँ पे आएंगे दो कुशन्स ऐसे जिन पे पानी पड़े तो वो खराब ना हो। और फिर वो वाला बोगनवेला देख रहे हो? हाँ? वो और वो देख रहे हो? हाँ? मैं बहुत समय से लेके आई हूँ, वो वाली बालकनी आएगा। और यहाँ पे बाहर से आएंगी लाइट्स। रमजान मुबारक आपको भी। सब
तो अभी कल रात के बाद एक्चुअली कल दिन के बाद फिर मैं कुछ शूट नहीं कर, आए हाय मेरे बाल, कुछ मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा सा बिजी हो गया था, रमजान है, थोड़ा सा कामों में लग गया था। और यहाँ पे अभी क्या घर की सफाई हो रही है मैडम, थक गई है। और आज से है रमजान शुरू, अभी कुछ देर में ऊपर जाएंगे, फिर चांद देखेंगे, सबको मुबारकबाद देंगे और आपको भी मुबारकबाद देंगे। क्यों अभी रमजान शुरू? और ये देखो नीचे मिलने आए तो नीचे भी क्या चल रहा है, ये रमजान के आड़ में ना अम्मी अपने सारे सूट सजग कर रही है, छाट रही है ना, तुम्हारी मैडम के आए ना, ये देखो ये, अच्छा ये सब तुम्हारी मैडम की है, ये देखो ये मैडम की, ये सब मैडम की। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर ईद का चांद देखने, और ये थोड़ा सा अर्जेंट काम तो जा रही है, फिर आके देख लेंगे कि नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ईद करेंगे, इंशाल्लाह हम चलते हैं ऊपर। ये देखो ये खड़े हैं लिफ्ट पकड़ के, जा रहा हूँ क्लोज डोर के आगे। अभी भाई तो हम आ गए हैं टेरिस पे, लास्ट ईयर का भी याद है क्यों? हाँ लास्ट ईयर भी ऐसे आए थे, इतना वेट किया था चांद कहाँ जाके, फर्स्ट डे नहीं दिखा था, ईद का था या रमजान का था? रमजान का था, फर्स्ट डे नहीं दिखा था, नहीं दिखा था, एकदम लास्ट में एकदम हल्का सा दिखा था। हाँ आई थिंक ईद का नहीं दिखा था, 29th पे 30 हुए थे, ईद पे नहीं दिखा। और अभी यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ पे ऊपर, और फिर ऊपर से हम दिखेंगे चांद। अभी तो खैर सन है, अभी जाएगा 10-5 मिनट में, उसके बाद भाई संभल के। सूरज जो है वो ऑलमोस्ट डूब चुका है, अब हम फोकस करेंगे चांद देखने पे, कहाँ नजर आएगा, जल्दी आ जा। ये देखो कौन आ गया, संभाल के आओ, अपना काम करने के लिए जल्दी आओ, संभाल के आओ, चांद नहीं दिख रहा यार, पर मैं आ गई, दिखेगा। नहीं दिख रहा यार। और यहाँ पे अब हम दोनों मिलके गौर से चांद को ढूंढने की, देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चांद ने आज बहुत परेशान किया, नजर नहीं आ रहा था इतनी आसानी से, यार दिख नहीं रहा चांद, स्मॉग बहुत है मुंबई में, बहुत ज़्यादा स्मॉग रहता है। बच्चों को खैर मैसेज आ गया, बच्चों ने फोटो भी खींच के भेज दी है कि वहाँ पे चांद दिख गया है, तो इंशाल्लाह कल से रमज़ान तो है ही, लेकिन आँखों से चांद दिख जाता है तो एक अलग ही खुशी होती है ना, बट नहीं दिख रहा अभी यार, ये मेरी उंगली के सामने वो देख कलर्स लाइट लगी हाँ, है उसके ऐसी, उसके हाँ। उसके बीच वाली जो बिल्डिंग है हाँ। दोनों के बीच की, उसके स्लोली दिख गया, अस्सलाम वालेकुम, चांद मुबारक भाई, चांद मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक भाभी, मुबारक रमजान मुबारक भाई, और आप सभी को भी हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से रमजान का चांद बहुत बहुत मुबारक, रमजान मुबारक, आ जाए चांद रात, आज से एक महीना दिल खोल के इबादत कीजिए, दिल खोल के नेक काम कीजिए और जितना हो सके सवाब लूट लीजिए। अभी चलते हैं नीचे और सबको मुबारकबाद देते हैं चांद दिखने की। वाह मैंने बोला था ना मैं आ गई तो दिखेगा, याद है आपको पिछली बार भी मेरे बिना आए थे तो नहीं दिखा रहा, और आपने मुझे बोला भी था तो क्या तुम नहीं आओगी तो चांद ही नहीं आएगा। और यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आप सबको दिखा सकूं चांद, लेकिन मुझे नहीं पता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ सेंटर में है थोड़ा शायद दिख रहा होगा। अम्मा अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक, ईद मुबारक हो बेटा, अल्लाह रमजान मुबारक, सब कैसे तो, अस्सलाम वालेकुम अम्मा, वालेकुम सलाम बेटा, रेहान क्या जा रही है, रमजान मुबारक, रेहान रमजान मुबारक, अम्मी अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक, अम्मी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, मैं पहुंची तो चांद दिखाई दिया, देखो आज पहले नहीं देख रहे थे, नहीं बेटी खा, रमजान मुबारक, क्या कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो? एक्सरसाइज कर रहे थे, फिर जाएंगे 5 राउंड मारेंगे नीचे। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक, रमजान का चांद दिख गया, दिख गया हाँ, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, अरे बोलो रमजान मुबारक, वालेकुम रमजान मुबारक, क्यों हंस रहे हो, रोज शुरू हो गए हम तो रख नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बस मुंह से पढ़ते रहना, बस माफ है, है कि नहीं, तबीयत खराब है तो माफ, ऐसे ही मुंह से पढ़ते रहना, मुबारकबाद दे दो, आप सभी को रमजान बहुत मुबारक हो, दुआ में याद रखिए आप, सब लोगों को रमजान मुबारक हो, दुआ में याद रखिएगा,
आप सभी को रमजान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको रमजान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, सबको रमजान मुबारक हो। सबको रमजान बहुत 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 मुबारक। और अभी यहाँ पे लग चुकी है लाइट्स, ये तो आपने लगाई थी पर नहीं, वो वाली। अच्छा, ये वाली। अरे रे, ये है माशाल्लाह। रमजान मुबारक। मुबारक हो सर। आ गया, तुम्हें मिल गया टाइम। और यहाँ भी लग रही हैं लाइट्स, और ये बालकनी जो है पूरी हो चुकी है रेडी, ऐसे बिल्कुल कुशन वुशन रख के। वाह, ये तो दिख गया चांद। आप सभी को रमजान मुबारक। कल से एक महीने के लिए पूरा लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो जाता है, पूरा रूटीन चेंज हो जाता है। एंड देन सहरी, इफ्तार, दिन भर में इबादत, कुरान शरीफ खत्म मैं करता हूँ, मैं ही कर पाता हूँ, बट कोशिश करता हूँ कि एक हो डेफिनेटली। वो सारी चीजें खाने पीने में तो फिर चीजें मिलती रहती है, क्यों? Yes. और बस आप सबसे यही गुजारिश है, और आप सबसे यही इल्तिजा है, एक दरख्वास्त है कि कोशिश करिए कि आपके आसपास के जो लोग हैं, या पड़ोसी हो, या आपके जान पहचान में हो, या ना भी जान पहचान में हो, आप कहीं से पता करते हैं, अगर वो रोजदार हैं और उनके घर में कुछ अगर कमी है तो उनको पूरा करने की कोशिश करें। रोजेदार का रोजा खुलवाना बहुत बड़ा सवाब है, और इस महीने अगर आप किसी को कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं जो इस लायक हैं, जो मतलब जो कर सकते हैं, वो ऐसा नहीं कि हर एक को करना ही है, जो कर सकते हैं तो डेफिनेटली करें, क्योंकि प्यार बांटने से बढ़ता है तो खुशियां भी बांटने से बढ़ती हैं। क्यों, क्या बोलती हो? बिल्कुल बिल्कुल, तो खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, और ये तो इतना नेकी भरा महीना, ऐसे कि हमेशा करना चाहिए, सिर्फ ऐसे नहीं कि हमेशा करना चाहिए। कहते ना कि एक नेकी की 70 नेकी इस महीने में हमें मिलती है, एक नेकी करेंगे तो 70 नेकी मिलेंगी, भले उस रीजन की वजह से। आप लोगों की मदद करिए, सवाब कमाइए। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे मैं एंड करता हूँ। सब कुछ वही है, सब कुछ से मिला है, बस इस साल थोड़ा सा कर लूँ। मैं अभी ब्लॉग एडिट कर रहा था, तो जैसे ही रमजान शुरू होते थे ना, तो उसको मतलब थोड़ा सा मैं उससे बुक किया करता था, नहीं कल अभी मत छूना, नमाज का टाइम हो रहा है, मुझे कुरान शरीफ पढ़नी है दूर, उसके बाद बट वो पूरा वेट करता था बकायदा सोफे में बैठ के। मेरे पास वीडियोस है, वो सोफे पे ना वहाँ पे कोने में बैठ के अंदर देखता था, क्योंकि शोएब फज की नमाज पढ़ने के बाद फिर उसके साथ खेलते थे, उसको साथ में लेके सो जाते थे कि फिर अब सोने जा रहा हूँ, तो जब उठूंगा तब नहाना होगा ही, तो वो उस वक्त का इंतजार करता था कि चलो अब ये आएगा तो मेरे साथ खेलेगा, और बाकी हर वक्त शोएब बोलते थे दूर बैठ, तो वो दूर बैठता था। हाँ, तो अभी जैसे ही बस मैं चांद देख के मैं नीचे आया, और मैं कल को भी विश किया करता था, हैप्पी रमजान, रमजान मुबारक। बट कोई नहीं, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अरे चुप जा भाई, चुप चुप, कब चुप होगा। हाँ, और उम्मीद करता हूँ कि हम सब का ये रमजान 2022 बहुत अच्छा बीते, और बस जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तो रमजान के व्लॉग आएंगे, सहरी के, इफ्तारी के, बहुत सारी चीजें होंगी, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी आप करिए, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, पेरेंट्स को प्यार, रिस्पेक्ट, उनकी कदर, उनके साथ वक्त बताइए, हंसी मजाक कीजिए। जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। रमजान मुबारक, अल्लाह हाफिज़।